बीकानेर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ऐसे में कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ओलंपिक में भी भारत का नाम रोशन किया है। बीकानेर में भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनके पास खेलों के कई उपकरण हैं जो कार की कीमत से भी ज्यादा है। ऐसे ही खिलाड़ी हैं बीकानेर के श्याम सुंदर, जिनके पास तीरंदाजी के उपकरण की कीमत करीब 5.5 से 6 लाख रुपए तक की है। वे अपने इन उपकरणों को अपने घर के बंद कमरों में तथा कहीं सेफ पिलंग पर रखते हैं ताकि उन उपकरणों से कोई छेड़छाड़ या नहीं कर सके। वे नियमित रूप से इन उपकरणों की देखभाल व साफ सफाई करते हैं जिससे ये उपकरण चलते रहें और सही रहें। वे बताते हैं कि 3 से 4 माह में इसके लेंस, टिगर तथा कई अन्य उपकरण जो खराब हो जाते हैं वे वापस दूसरे नए सिरे से उनका उपयोग लेते हैं। वे बताते हैं कि लेंस है जो करीब 18,000 तथा तीर है जो करीब 53,000 रुपए के 12 होते हैं वो कई बार खराब भी हो जाते हैं, जिससे वे इनकी कीमत नए सिरे से लेकर वे नई कीमत लेकर काम करते हैं। वे बताते हैं कि वे इससे कई तरह के सर ये उपकरण लगभग 5.5-6 लाख रुपए के हैं। जैसे जैसे इवेंट बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी रेट भी बढ़ती है। ये 2.5 लाख रुपए से शुरू है और मेरा जो धनुष है, जो मैं ओलंपिक प्लेयर हूँ, तो लेवल के हिसाब से ये 5.5-6 लाख रुपए का है और इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। मेरे रूम में मैं पलंग पे रखता हूँ इसको, बच्चों से दूर रखता हूँ क्योंकि बच्चे छेड़छाड़ी ना करते, इसलिए जैसे व्हील है, स्कोप है, इनको रोज़ साफ करना पड़ता है हमको क्योंकि इसमें धूल मिट्टी ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए इनको पूरे मतलब एक दिन में वापस दोबारा रिमाइंड करना पड़ता है। कहाँ मिलते हैं इसके उपकरण? ये सर पूरे एशिया के अंदर, अपने अपने पंजाब में, पटियाला में।